कराची में था गमे रोजगार लिए, फिरता फिरता कराची चला गया, वहां से मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद से ना जी मुझे किसी ने बताया कि ये जो पीर मीर अली शाह साहब है ना जी, इनके यहाँ लंगर बड़ा मजेदार होता। अरे वाह। तो चला जाता खाने पीने के लिए। वहां से ना जी मेरी दोस्ती होगी पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब से। हुई कैसे, हजूर की शान में ना जी, उन्होंने जब एक दफा पढ़ा ना जी टेलीविजन पे, मैंने देखा वो शायद रबीउल अव्वल का महीना था, 12 रबीउल अव्वल की रात थी, तो मैंने टेलीविजन पे पी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को हजूर की शान पढ़ते हुए सुना, देखा। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वो जब खत्म हुई ना जी बात उनकी, तो मुझे किसी की सांस की भी आवाज नहीं आ रही, इतने लोग हम बैठे हुए थे। मैंने ऐसे करके देखा तो सारे के सारे रो रहे थे, सब के सब रो रहे हैं। मैंने कहा ढूंढो पीर साहब को, जाते तो वहां है ही। मैं वहां गया तो इतना रश भाईजान, लाइनें लगी हुई उनको मिलने के लिए। ओ मैं कह ये तो दिन पूरा ही चला जाएगा। जुमे की नमाज पढ़ी थी, जुमे की नमाज के बाद तो मैं पीर मेरे लिए शाह साहब के ना जी वहां दुआ मांगने के लिए खड़ा, तो एक बंदा मेरे पास आया, कहना ठाकुर साहब इतने खलते हो। वो मैं क्या आया तो पीर साहब ने मिलन सा, रश बड़ा होता। वो कहना एक मिनट खलो जी। गए ने उन्होंने जाकर, उन्होंने कहा पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने मैं यही करके देखिया, तो उन्होंने कहा बात ठीक है कल मिल सन। वो मेरे टुर पे वो सारे पारे सारे पारे मेरे टुर पे रहे। वो मैंने कहा नहीं ठाकुर तू साड़ी टेलीफोन ही नहीं चाहना है। मेरी की जरूरत है सर, मैं यार कितनी बारी तेन टेलीफोन की थी, तू चाहनी नहीं है। मैं सर माफ कर देना, मेरे को फोन भी जड़ा है वो बड़ा मजाइया जहा है पैन, वो तो कभी कॉल आती है कभी नहीं आती। मैंने कहा थले कमरे जुलना तो मैं आना। अब मैं नीचे, वो बंदा मुझे कमरे में ले गया, मैं वहां जाके बैठ गया और मैं बाहर ही बैठा हूं अभी, अंदर नहीं गया। सर मैंने जिंदगी में अगर कोई बादशाह देखा हुआ ना जी सही, तो मैंने पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को देखा, सफेद लाचा सफेद कुर्ता सफेद पगड़ी, दुनिया उनके पीछे आ रही है और वो सामने से जो आ रहे थे ना जी, वो मैंने देखे तो मेरे दिमाग में वो बात चली कि सैयद सोना सैयद सुच्चा सैयद सूरमा। अल्लाह अब वो आ रहे हैं, मैं कहता वो बाहर बैठे हुए। वो मैं कहता सर तुसी अंदर जा सो, मैं किस तरह जाऊं, की जरूरत है। अंदर चले गए। तो उस दिन ना जी मैं टायर पंचर का काम करता था। अच्छा। टायर भी एक शॉप से मेरी एफ अच्छा, बहुत पहले कई हजार साल पहले की गल है। उनके ना जी पेट्रोल पंप थे इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने एक मशीन लगाई जिससे टायर खुलता था, हम हाथ से खोलते सिस्टम पूरा। यस। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजूर हमें भी एक मशीन मंगा दे। तो उन्होंने किसी को, ठाकुर साहब ने मशीन मंगा के दे, जालमा। आना जाना हो गया, दोस्ती हो गई उनसे। उनकी तकरीरें मैं जिस तरह सुनता था, मैं उनका इसलिए फैन था कि एक पीर है, एक लोग आते हैं बकौल मौलाना तारिक जमील साहब के, मुआशरे तबाह कैसे होते हैं। मुआशरे तबाह ऐसे होते हैं कि जब टीचर अपने स्टूडेंट को, पीर अपने मुरीद को और डॉक्टर अपने मरीज को गाहक समझने लग जाए, तो वो मुआशरा खत्म। अब उसके उठने के चांस खत्म हो गए। तो मैंने कहा ये कौन से मुर्शिद हैं, पीर हैं जो अपने मुरीदों के कह रहे हैं। तो पीरों को कुछ नहीं होना है, पीरों को क्यों होना है, वो तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल दे तो आप चले हर वे अल्लाह ने सजदे पे उन्होंने या अल्लाह कोई सानू भी दे, कोई साड़ी रोटी टुकर भी चला। वो अल्लाह के बंदे हो, जो कुछ है अल्लाह नाल गल करो, अल्लाह को होना है, अल्लाह तो सिवा किसी को नहीं, किसी को नहीं होना है। बाकी इस तरह की वो तकरीर किया करते थे और मैं उनका फैन होता है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मशीन, उन्होंने बंदे को कहा। अब वो डेढ़ महीने के बाद मुझे मिले, मुझे कहने वो ठाकुर मशीन आ गई है। वो मैं कह कि आ गई है सर, लेकिन अल्लाह को उम्मीद है आ जासी। मैंने कहना वो जालमा तू तो मुसलमान ही नहीं है, चलो कितु मशीन आ सी। मैं कह मुसलमान नहीं है, कहने वो अल्लाह की उम्मीद रखना है जालमा। कलमा पढ़, कलमा पढ़। मैं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। कहना पुत्र बंदिया ते उम्मीद होंदी, अल्लाह ते यकीन होंदा है। ओए होए 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 होए। वो रात है इरफान भाई, वो रात है मेरी जिंदगी की कि मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कांटों पे वो रात गुजारी, कोयलों के ऊपर मैंने रात गुजारी।
फजर का इंतजार कर 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 वो 100 साल की वो रात हो गई। सुबह उठ के मैंने वजू किया और अल्लाह के हाँ मैं गिरा, 2 नफल मैंने शुक्राने के अस्तगफार के किए। मैंने कहा या अल्लाह मैं तुझ पे उम्मीद करता रहा, मुझे तुझ पे यकीन होना चाहिए था। उसके बाद मैंने फिर अल्लाह पे यकीन रख के जिंदगी शुरू की। हाजी साहब हर चीज बदलती गई सर, हर चीज बदलती गई। मैं मांगता गया, अल्लाह ढेर लगाता गया। लाहौर आ गया, लाहौर से सिलसिला शुरू हुआ। आगे कहां, पूरी दुनिया 42 मुल्क घूमे। जिस बंदे के पास कभी पिंडी से इस्लामाबाद आने का किराया नहीं है, मैंने पिंडी ड्रामा किया तो इस्लामाबाद से पैदल गया, मैंने इस्लामाबाद ड्रामा किया तो पिंडी से पैदल आया। 42 मुल्क घूमे, पूरी दुनिया घूमी। सिर्फ उन्होंने सिम मेरी चेंज की, कॉन्सेप्ट चेंज किया, कॉन्सेप्ट चेंज किया। बंदों पे उम्मीद होती है। वन वर्ड सर, तीसरे दिन जब मैं दुकान पे गया सुबह, तो खोती रेड़ी वाला बना लखो अपनी रेड़ी पे बैठा मशीन लेके पहुंच गई।